नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टॉप अर्निंग टिप्स। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर सिंह। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसके बाद ये देखना चाहिए कि हम जो माल तैयार करने वाले हैं वो तैयार माल कौन खरीदेगा। अगर माल बनाने के बाद बेचने की सही व्यवस्था है तो आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल देखा जाए तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर कोई यही कोशिश करता है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही खरीदे। कई मल्टीनेशनल कंपनियां इस बिजनेस में आ चुकी हैं, तो क्यों ना हम भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इस लाइन में आएं और भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मार्केट में रेट लगभग 80,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहती है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने यहाँ माल तैयार करना है और तैयार माल को आप 80,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच सकते हैं। वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि कौन आपका माल खरीदेगा। उससे पहले आप को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी जैसे दिखने वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं सफ़ेद मूसली की खेती के बारे में। दोस्तों, मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और आपको बता दें कि सनराइज एग्रीलैंड नाम की एक कंपनी है जो कि ISO 9001:2008 ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी है। ये आपसे 80,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सफ़ेद मूसली आपके पास जितनी भी हो वो खरीद लेगी आपके घर से ही। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि सफ़ेद मूसली की खेती कैसे की जाए या इसको कैसे उगाया जाए। उससे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। सफ़ेद मूसली की खेती अपने देश के सभी भागों में की जा सकती है। सफ़ेद मूसली को धोली मूसली के नाम से भी जाना जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि यह शरीर में आई किसी भी प्रकार से आई कमजोरी को दूर करने की क्षमता इसके अंदर होती है। इसका उपयोग खांसी, अस्थमा, बवासीर, चर्म रोगों, पीलिया, पेशाब संबंधी रोगों, लिकोरिया आदि में उपचार के लिए किया जाता है। हालांकि इसका प्रमुख उपयोग हेतु इसे सर्वाधिक प्रचारित किया गया है वह है नपुंसकता दूर करने तथा यौन शक्ति एवं बलवर्धन। मधुमेह के उपचार में भी ये काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुआ है। अब जान लेते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाए। सफ़ेद मूसली लगभग 8 से 9 महीने की फसल है जिसे मानसून में लगाकर फरवरी मार्च में खोद लिया जाता है। अच्छी खेती के लिए यह आवश्यक है कि खेती की गर्मी में गहरी जुताई की जाए। अगर संभव हो तो हरी खाद के लिए ढेंचा, सनई, ग्वार को बो दें। जब पौधे में फूल आने लगे तो काटकर खेत में डालकर मिला दें। गोबर की सड़ी खाद 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। खेत में बेड्स 1 मीटर चौड़ा तथा 1 फीट ऊंचा बनाकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाएं, जिसमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को लगाते हैं। बेड्स बनाने से पूर्व 300 से 350 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नीम या करंज की खली भी मिला देनी चाहिए। एक एकड़ के लिए लगभग 200 से 250 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई के पहले बीज का उपचार रासायनिक एवं जैविक विधि से करते हैं। रासायनिक विधि में बेवेस्टीन 0.1% घोल में ट्यूबर्स को उपचारित किया जाता है। जैविक विधि में गौमूत्र एवं पानी 1:10 में 1 से 2 घंटे तक ट्यूबर्स को डुबोकर रखा जाता है। बुवाई के लिए गड्ढे बना लिए जाते हैं। गड्ढे की गहराई उतनी होनी चाहिए जितनी बीजों की लंबाई हो। बीजों का रोपण इन गड्ढों में हल्की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। सफ़ेद मूसली के बारे में और आगे आपको बताते हैं। सफ़ेद मूसली को ज़मीन में खोदने का सर्वाधिक उपयुक्त समय नवंबर के बाद का होता है, जब तक मूसली का छिलका कठोर ना हो जाए तथा इसका सफ़ेद रंग बदलकर हल्का भूरा ना हो जाए तब तक ज़मीन से नहीं निकालें। मूसली को उखाड़ने का सही समय फरवरी का अंत है। अगर सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल बीज के लिए भी करना है तो मार्च में इसको खोदना चाहिए और अगले साल के लिए सुरक्षित रख लेना चाहिए। और इसकी एक एकड़ में उत्पादन की बात करी जाए तो 20 से 25 क्विंटल बड़े आराम से निकल आती है और इसका मार्केट भाव भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो कंपनी समय समय पर इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती रहती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी के नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से नंबर लेकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कब ट्रेनिंग प्रोग्राम है और साथ ही साथ
अगर इसको आप बेचना चाहते हैं, बाई बैक या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो कंपनी आपसे लिखित में एग्रीमेंट करती है। तो आप इस मौके को गंवाएं नहीं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।